ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाशों पर महिला के मर्डर का आरोप है। कुछ दिन पहले घर में घुसकर मारी थी गोली। आरोपियों से कैश, बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। कोटगांव के पास ये पूरी घटना हुई है, ये पूरी मुठभेड़ हुई है और इसमें दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमांशु शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस को इसकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की थी और घेराबंदी के दौरान जब ये अपने आप को घिरा देखा तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों की गोली लगी है। आपको बता दें, करीब एक सप्ताह पहले घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या की थी दिन दहाड़े, और जिससे पूरे गांव में, ये दादरी थाना क्षेत्र के कोटगांव की घटना है, जहां पर दिन दहाड़े महिला की हत्या की गई थी, घर में घुस के गोली मारी थी और पूरे गांव जो है वो दहशत में था। लिहाजा पुलिस ने नजीर के तौर पर लगातार दबिश दे रही थी और जब इनकी सूचना मिली, जब ये अपने आप को घिरा पाया इन्होंने, बदमाशों ने, दो लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है, दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और 50,000 रुपए मिले हैं पुलिस को इनके पास से। इसके अलावा तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, ये तमाम चीजें बरामद हुई है। फिलहाल इनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए। शाहजहांपुर के कैंट इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला।